आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम तैयार कर रहे हैं व्हाइट मटन कढ़ाई। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी और आसान भी बहुत है। इसको कोई भी आराम से बना सकता है, चाहे कोई यंग लड़की हो या कोई घर में कोई भी स्टूडेंट है, वो बनाना चाहे तो बहुत आसानी से ये बन जाएगा। उसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम है। आजकल टमाटर भी बहुत महंगा आ रहा है, उसके चलते ये रेसिपी बहुत कामयाब रहेगी, क्योंकि इसमें हमने टमाटर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, इसमें टमाटर का काम ही नहीं है। व्हाइट मटन है ये, जिसमें कि हमें टमाटर का बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत महंगा जब टमाटर होता है तो आप इस तरह की ग्रेवी ज़रूर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट मैं दिखा देती हूँ कि व्हाइट मटन कढ़ाई मैंने किस तरह से तैयार किया है। तो यहाँ सबसे पहले हमने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, जैसे कि 2 तेज पत्ता है, दालचीनी के टुकड़े हैं, 4-5 लौंग हैं, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची इसमें हमने कुकर में डाल दिया है। यहाँ मैंने 1/2 kg मटन लिया है, थोड़ी सी इसमें चर्बी है तो हमने डाल दिया है, क्योंकि हमको ऑयल कम डालना है तो हमने थोड़ी सी इसमें चर्बी ली है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 tablespoon फुल हम डाल रहे हैं। यहाँ हमने 3 हरी मिर्च लिए, जिसको हम बीच में टुकड़ा करके डाल देते हैं। नमक 1/2 teaspoon, 750 ml इसमें हम पानी डाल रहे हैं। हमने एक प्याज लिए, जिसको हम 4 टुकड़ों में करके बस ऐसे ही रफली डाल देंगे। सिंपल है, सारे हमने खड़े मसाले डाल दिए। इसको हम एक विसल देंगे हाई फ्लेम पे, उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम लोएस्ट फ्लेम पे रखेंगे, ताकि ये पूरा गल जाए। 90-95% इसको हमको गला लेना है। यहाँ मैंने एक पैन रखा है, जिसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे, क्योंकि हम व्हाइट कढ़ाई मटन तैयार कर रहे हैं, इसलिए हमने व्हाइट ऑयल डाला है। आपने सरसों का तेल नहीं इस्तेमाल करना है, येलो वाला तेल हमने कम ही इस्तेमाल किया है। यहाँ हमने दोबारा से कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जैसे जायफल जावित्री का छोटे छोटे टुकड़े हैं, 3 हरी इलायची, कुछ साबुत काली मिर्च है और 2 बड़ी इलायची। इसको हम डाल देते हैं, इनको कड़कने देते हैं, हल्का सा भून लेते हैं 1/2 मिनट। उसके बाद इसमें हम बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। देखिए बहुत अच्छे से फूल गए हैं हरी इलायची, बड़ी इलायची। इसमें हम 4 से 5 प्याज डाल रहे हैं, 400 ग्राम के आसपास हमने इसमें प्याज डाला है। इसको हम ट्रांसमिशन करेंगे, इसको ब्राउन नहीं करना है, इसका कच्चापन निकल जाए उतना करना है, क्योंकि हम व्हाइट ग्रेवी तैयार कर रहे हैं, इसलिए हमको ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, पिंक भी नहीं करना है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसको चलाते रहिए। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ हमारे कुकर में सीटी लग रही है, दूसरी तरफ हमने प्याज को करने के लिए रख दिया था। तो ये ट्रांसलूसेंट हो चुकी है, इसमें दोबारा से हम कुछ मसाले डाले हैं, जैसे 3 से 4 मैंने हरी मिर्च लिया है, टूटा हुआ मैंने काजू लिया है, ये हम डाल देते हैं और साथ में इसको भून लेते हैं। बस 1 से 2 मिनट और भून लेंगे, इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसको हमको ठंडा करके पीसना होगा, तो इसलिए हमने इसको अब ज़्यादा नहीं करना है। 1 से 2 मिनट करने के बाद मैं इसको ठंडा करके पीस लेती हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ कि हमको आगे क्या करना है। गैस मैंने ऑफ कर दी है, इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ठंडा होने के बाद इसको हम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। प्याज तैयार कर दी है, उसको हमने पीस लिया है, बहुत फाइन पेस्ट करना है आपको, उसको पानी डालकर पीसना पड़ेगा, तो आप पानी ज़रूर डाल लीजिएगा। तो ये हमारा तैयार है, यहाँ कुकर भी ठंडा हो चुका है और हम आपको दिखा देते हैं, जो मटन है वो गल गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये बोटियों को हम निकाल लेंगे और इसके पानी को स्ट्रेन कर लेंगे। हमारा हो जाएगा स्टॉक, जिसको कि हम यूज़ करेंगे, क्योंकि सारे जो हमने खड़े मसाले डाले उसमें इसका पूरा अरक आ गया है, तो बस इसका पानी इस्तेमाल करना है, बोटियों को अलग कर लेना है। सेम पैन लिया है, क्योंकि उस वक्त हमने कम ऑयल डाला था, इस वक्त हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, बहुत थोड़ा सा डाला है। यहाँ जो हमने बोटियाँ निकाली थी, उस पहले थोड़ा सा इसको हम तेल में भून लेते हैं, 3 से 4 मिनट इसको हाई फ्लेम पे हम तेल में भूनेंगे। बोटियाँ हमने भून ली हैं अच्छे से, अब इसमें अपना प्याज का पेस्ट डाल देंगे। अब इसके साथ हम भून लेंगे गोश्त को और जो हमने प्याज का पेस्ट तैयार किया है, बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे, क्योंकि जो हमने इसमें काजू डाले हैं उसकी वजह से नीचे मसाला जो है चिपक सकता है। आप देख सकते हैं कि 3 से 4 मिनट मैंने इसको अच्छे से भुना है, नीचे अब चिपकने लगा है और ये सिमट भी गया है इसका मसाला। तो आपने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है लगातार इसको चलाते हुए। अब इसमें हम ग्रेवी के लिए इसमें पानी डालेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और मसाले डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा दही डालेंगे, 2 से 3 चम्मच आप दही डाल दीजिए। अब दही को भी इसके साथ हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे ही लगातार चलाते हुए। तो यहाँ दही डालने के बाद ही भुनाई हो चुकी है, जो हमने स्टॉक बनाया था वो हम डाल देते हैं ग्रेवी के लिए, क्योंकि इसमें हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। जो स्टॉक है उससे बहुत जायका था, हमको वही इस्तेमाल करना है। तो अब एक बार मिक्स कर देते हैं। कुछ मसाले हम डाल देते हैं इसमें, धनिया पाउडर 1 teaspoon, दखनी मिर्च 1 teaspoon, यानी कि व्हाइट पेपर, जिसको हम बोलते हैं काली होती है एक व्हाइट होती है, वो आप डाल दीजिए। अगर आपके पास व्हाइट नहीं है तो आप काली मिर्च भी यूज कर सकते हैं। वैसे हमने मसालों में काली मिर्च यूज किया है, लेकिन थोड़ा सा दोबारा से हमें ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो है बहुत ज्यादा मीठा लगेगा प्याज की वजह से। तो उसके लिए हमने काली मिर्च साबुत डाली है, फिर पिसा हुआ डाला हमने, इसमें हरी मिर्च डाली है, तो उन सबसे बहुत जायका आएगा। इस तरह से आप तैयार करिएगा। तो इसको लो फ्लेम पे अब हम पकने के लिए छोड़ देते हैं 5 से 7 मिनट। अब इस स्टेज पे थोड़ा सा हम घी डाल देंगे, आप चाहे तो बटर डाल दें, तो मैं थोड़ा सा इसमें घी डाल रही हूँ और इसकी अच्छे से दोबारा से हम मिक्सिंग कर देंगे। बहुत ही शानदार इसकी ग्रेवी तैयार होती है, बहुत ही लजीज, और रोटी के साथ पराठे के साथ तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी। जिनको मिर्च मसाले पसंद नहीं आते हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, ट्राई करने वाली है, आप जरूर इसको ट्राई करिएगा। तो दोबारा से 2-3 मिनट हम इसको ढक के रखते हैं, कुछ और इसमें चीज़ें डालेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब और कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम आपको दिखा देते हैं और डाल देते हैं। यहाँ हमने
प्याज लिए हैं, इतने बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं, उसको बस सिंगल सिंगल कर लिया है बड़े बड़े टुकड़ों में करके, इसको हम डाल देते हैं। इसके बाद बस हम 2 मिनट पकाएंगे, क्योंकि हमें प्याज को क्रंची रखना है। और यहाँ हमने कसूरी मेथी डाली है, एक बार मिक्स कर देते हैं। ज़रूरत लगे तो आप इसमें इस वक्त टेस्ट करके नमक ऐड कर दीजिएगा। तो हमारी रेसिपी जो है इस वक्त बिल्कुल तैयार है, बस 2 मिनट हमने पकाना है और उसको सर्व कर देना है। आप उसको पराठे के साथ, लच्छा पराठा किसी के साथ भी देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारा जो व्हाइट मटन है बिल्कुल तैयार हो चुका है। लास्ट में आप थोड़ी सी चाहें तो क्रीम डालें, वैसे इसमें ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने इसमें काजू का इस्तेमाल किया है। बस इसको मिक्स कर देते हैं और इसको हम सर्व कर आपको दिखाते हैं। यहाँ बिल्लू जो है हमारे, उनको खाना चाहिए तो इसलिए म्याओं म्याओं कर रहे हैं। ऐ ऐ आपको उनकी आवाज़ आ ही रही होगी। सिम्बा सिम्बा क्या चाहिए, क्या चाहिए सिम्बा, क्या चाहिए सिम्बा। अच्छा अच्छा देते हैं खाना, देते हैं, रुक जाओ रुक जाओ। तो बढ़िया सा हमारा व्हाइट मटन कढ़ाई तैयार हो चुका है, बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जिनको मिर्च मसाले कम पसंद है वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इस रेसिपी को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ। चलिए तो अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शायलाज दस्तरखान।